वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संगम कोचिंग परानपुर में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के NCERT के मैथमेटिक के चैप्टर नंबर 2.1 को, और इसमें के कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट्स हमेशा आते रहते हैं हमारे इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है हमारा कक्षा 12 का चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होंगे जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें फार्मूले का तो मतलब भरमार लगा हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो कि क्लास 9, 10, 11 से रिलेटेड होते हैं, तो वो सब चीज़ें आप जानते होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें, जैसे कि इनवर्सल चीज़ें जो होती हैं नॉर्मली मैं बताता हूँ। जैसे कि सपोज कर लेते हैं ये साइन के पावर -1 है, इसको हम इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसका मीन ये होता है कि अगर यहाँ पे साइन थीटा या फिर कुछ भी है तो ये इनवर्स वाला चीज़ और विदाउट इनवर्स वाला चीज़ दोनों एक दूसरे से वैनिश हो जाते हैं। वैनिश हो जाते हैं मतलब कट जाते हैं, तो कटने के बाद साइन से साइन अगर कैंसिल होता है तो आपका बचता है थीटा। इस बेस पे ये पहला क्वेश्चन जो है हम हल करेंगे, इसमें का पहला जो क्वेश्चन है। ठीक है, 1, 2, 3 फर्स्ट वाला पार्ट जो है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के जो वैल्यूज़ होती हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के, तो वो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों हमारे यहाँ नॉइज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इसको मैनेज करें प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये फार्मूले हैं जो कि हम लिख रखे हैं आपके लिए, इनको देख लेंगे और बाकी के फार्मूले क्वेश्चंस में ही हम आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आपके चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस में 1/2, साइन इनवर्स माइनस में 1/2। तो एक चीज़ और बता दें हम आपको बीच में कि साइन में, टैन में, कोसेक में और काट में, इन चीज़ों में अगर इनवर्स लगा है तो एक ट्रिक ही समझ लीजिए, एक ट्रिक ही समझ लीजिए कि इनवर्स लगा है और इसमें माइनस लगा है, मतलब माइनस में थीटा या फिर कुछ भी लगा है। ठीक है, तो ये माइनस जो है हम आगे रख सकते हैं किसमें किसमें, साइन में, टैन में, कॉसेक में और काट में। बाकी दो बचा कास और सेक। ठीक है, इसमें अगर इनवर्स के साथ माइनस लगा हुआ है, अगर इसमें इनवर्स के साथ माइनस लगा हुआ है तो ट्रिक हमारी ये कहती है कि पाई में से, पाई यानी कि 180 में से उस चीज़ को घटा देते हैं। अभी आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन बेसिक पॉइंट हमको देना था इसलिए ये चीज़ बताया मैंने। अब इसका यूज कैसे करना है तो आपको क्वेश्चन में ही आपको पता चलेगा। बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कभी माइनस लग जाता है और कभी पाई में से घटाना पड़ता है, तो इस वजह से परेशान रहते हैं, इस वजह से हमको बताना यहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स माइनस में 1/2। तो स्टूडेंट्स आपको करना ये होता है कि ये अगर साइन इनवर्स है तो ये वाला पार्ट जो -1/2 वाला पार्ट है, इसको भी आपको साइन के रूप में परिवर्तित करना होगा, लेकिन थोड़ा माइंड यूज़ करते हुए। एक्चुअली होता क्या है कि हमको इसको साइन के रूप में परिवर्तित तो करना है लेकिन इसमें माइनस दे रखा है, तो हम करेंगे क्या कि साइन में ही इस मान को ढूंढेंगे। कक्षा 9, 10, 11 में आपको पढ़ाया गया है कि साइन 30 का मान जो है कितना होता है, 1/2 होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये माइनस कर रहा है, तो कोई बात नहीं, माइनस को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और 1/2 के जगह पे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, माइनस की जगह माइनस हुआ है और 1/2 के जगह पे साइन 30 डिग्री, ओके ना। इसके बाद क्या, ये साइन से साइन तभी कैंसिल हो सकता है जब ये माइनस ना हो। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि अगर साइन, टैन, कोसेक, काट में माइनस हो तो सिंपली इस माइनस को यहाँ थीटा के पास लेके हम जा सकते हैं, यानी कि 30 के पास।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स, इस माइनस को हम आगे भेजेंगे तो साइन और 30 के पहले हम माइनस लगा सकते हैं, ये रूल होता है। अब क्या, अब यहाँ से माइनस जब डिलीट हो गया, ठीक है, तो ये साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाता है। तो आपका साइन से साइन अगर कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका माइनस में 30 डिग्री, ओके ना। लेकिन हम इंटर में पढ़ते हैं, आंसर जो है पाई में ही इसमें ज़्यादातर देता है आपका, तो इसको पाई में आप चेंज करना जानते हैं। पाई में अगर चेंज करना नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 होता है, तो माइनस पाई बाई 6 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस में पाई बाई 6। एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप सोचेंगे कि 2 को क्यों नहीं पहले लगा रहे। 2 को इसलिए नहीं लगा रहा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 1 पे डिपेंडेड है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको हम बताते हैं, ये आप नहीं घबराएंगे कि इसको नहीं बताया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व अगर करें तो ये है कोसेक इनवर्स तो वैसे ही हम लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये 2 लिखा हुआ है। हमने क्या बोला, यहाँ पर जो चीज़ रहता है उसी में ढूंढते हैं। तो आपको पता होगा कि कोशिक में कितने अंश का मान 2 होता है, तो कोशिक में मेरे हिसाब से 30 डिग्री का मान 2 होता है, ठीक है। तो हमने कोशिक 30 लिख दिया। ये इतना सिंपल है क्योंकि इसमें माइनस दिया भी नहीं आगे, तो ये डायरेक्टली कोशिक से कोशिक क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो कुछ इस तरह से कोशिक कैंसिल हो गया, आपका बचा 30 डिग्री। अगर इसको हम पाई में चेंज करते हैं तो पाई बाई 180 से गुणा करके, तो आपका जैसे उस सवाल में हुआ था 6 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई बाई 6, ओके। अभी क्या, अब हम चलते हैं इस दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे। इसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए, चूँकि ये भी नॉर्मल है, मैंने ध्यान नहीं दिया, हम सोचे कि माइनस है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली। अगर आप कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉस इनवर्स में अगर ये है तो इसको भी कॉस इनवर्स में रूपांतरित करना होगा, कॉस में रूपांतरित करना होगा। तो कॉस में कितने अंश का वैल्यू होता है, ये तो 30 डिग्री का होता है। आपको वैल्यू चार्ट पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो कॉस से कॉस आपका हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा आपका 30 डिग्री, और 30 डिग्री को फिर से हम पाई बाई 6 ही कहेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब ये जितने सवाल लगाए हैं उसमें 30 डिग्री ही आंसर आ रहा है। अब 4 नंबर को हम हल करते हैं, तो ये है आपका tan इनवर्स, इसको भी tan में ही ढूंढेंगे। तो ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस को लगाएंगे, और tan में ये 60 डिग्री की वैल्यू है, ये हुआ। अब इस माइनस को हमें हटाना है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था साइन में, टेन में, कोसेक में और सेक में अगर माइनस आता है तो उस माइनस को थीटा के पहले लेके चले जाते हैं कोण के आगे। तो टेन इनवर्स टेन, इस माइनस को हम 60 के पहले लेके चले गए ऐसे। अब ये टेन से टेन ईजिली कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद माइनस में 60 डिग्री हो जाएगा। और इसको अगर हम पाई में रूपांतरित करते हैं, पाई बाई 180 से गुणा करके, तो ये आपका आ जाता है पाई बाई 3। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, क्या चेंज होगा वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो कॉस इनवर्स माइनस में कॉस में कितने अंश का मान ये होता है, तो मेरे हिसाब से 60 अंश का मान होता है। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमने आपको ये बताया था कि साइन में, टेन में, कोसेक में, काट में माइनस अगर रहेगा तो माइनस हम लगा देंगे सिंपली, ठीक है। लेकिन कॉस में और सेक में क्या होगा, तो वही बताया था कि पाई में से घटाते हैं या 180 में से घटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे घटाएंगे, जैसे कॉस इनवर्स है और इसको हमें बदलना है कॉस में, माइनस को डिलीट करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली कॉस लिख देंगे, और यहाँ पर 180 लिखेंगे इस माइनस को डिलीट करने के लिए, और माइनस लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो चीज़ लिखा है वो चीज़ याद रखिएगा। कास में और सेक में ऐसा परिवर्तन होता है, बाकी सब में सिंपली माइनस लगा देते हैं, ठीक है। कास अगर रहे यहाँ पे या सेक रहे यहाँ पे, तो 180 माइनस लगाना ज़रूरी होता है।
अब क्या, कॉस से कॉस सिंपली कैंसिल हो जाता है और आपका 180 माइनस 60 बचता है, और इसमें से अगर आप घटाते हैं तो आपका आ जाता है 120। अगर इसको पाई में हमें चेंज करना है तो पाई बाई 180 से हम गुणा करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है और सिक्स से आप डिवाइड कर लीजिए तो 6 2 जा 6 3 जा, यानी कि 2π/3 इसका आंसर हो जाता है। ठीक, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो ये तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर भी अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। 10 45 डिग्री, इस माइनस को डिलीट करने के लिए माइनस को 45 के पास आप ले जाएंगे कुछ इस तरह से, और ये 10 से 10 आपका हो गया कैंसिल, तो आपका हो जाएगा माइनस में। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइप बदल दिया है। ठीक है, तो देखिए आप खुद ही समझ सकते हैं, ये टेन इनवर्स है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो ये टेन इनवर्स है और ये 1 है, तो हमने आपको बताया कि इधर अगर टेन इनवर्स है तो इसको 10 में ही चेंज करना होगा, तो इसको हम 10 में चेंज करते हैं। 10 45 डिग्री की ये वैल्यू है, प्लस कॉस इनवर्स, इसको भी कॉस में अब हमको चेंज करना होगा क्योंकि ये कॉस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे माइनस है इसमें। ठीक है, माइनस, तो कॉस में कितने अंश का मान है, ये 60 अंश का, प्लस साइन इनवर्स, माइनस में साइन 30 अंश का ये मान है, इक्वल टू 10 से 10 ईजिली कैंसिल हो सकता है, माइनस की प्रॉब्लम है ना इधर, तो इधर 45 डिग्री हो गया आपका। प्लस यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, कॉस वाले में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ करनी होती है आपको, और वो क्या है, तो ये कॉस और इस 60 को 180 में से आप क्या कर देते हो, घटाते हो। ठीक है, और साइन में यही चीज़ होती है, तो सिंपली ये माइनस जो है आगे चला जाता है, बस यही चीज़ आपको याद रखनी है थोड़ी सी, उसके बाद सब सही है। तो 45 डिग्री प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 180 माइनस 60, जो कि घटाने के बाद होता है 120। साइन से साइन अगर कैंसिल होगा तो माइनस में 30 आपका होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मेरे हिसाब से इसको और इसको अगर ऐड किया जाए तो 5 और 4 2 6 होता है, और ये 1 माइनस 30, तो 165 में से अगर 30 आप घटाते हैं तो 135 आता है। पाई में आंसर दिया होगा, तो इसको जो है आप पाई में चेंज कर ले, बार बार ये चीज़ हमें ना बताना पड़े। तो हम घटाते हैं 9 से, तो 9 1 में 9 9 5 45 18 5 3 15 5 4 20, यानी कि 3π/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3π/4 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी आप देख लें, पाई बाई 180 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 3π/4 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चों को, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है। ये इसको सॉल्व करने के लिए अगर कहें तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है आपका, तो बस ये बात ध्यान देना है। पहले तो ये जान लो कि ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सही है ये बताना है हमको। ठीक है, तो साइन इनवर्स x यही सब खेल करता है यहाँ पे। ठीक है, साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो y के बराबर है। ठीक है, तो जो चीज़ इसके साथ होगा वही चीज़ इसके साथ भी होगा, क्योंकि इक्वल है गणित के रूल से। ठीक है, अभी हम देखें तो साइन की जो वैल्यू होती है सबसे कम वैल्यू माइनस में π/2 होती है, सबसे कम वैल्यू। ठीक है, और सबसे अधिक वैल्यू किस पे होती है, π/2 पे होती है। कैसे, तो देखो भाई, साइन में माइनस 90 अगर लेते हो तो ये -1 आता है, और साइन में अगर +90 लेते हो, मतलब π/2 का मतलब 90 होता है, तो ये +1 आता है। अब कहीं भी कभी भी आप देखेंगे कि साइन में कितने भी अंश का मान 1 से बड़ा नहीं होता, और साइन में कितने भी अंश का मान 1 से छोटा नहीं होता। आई बात समझ में, तो इससे हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है कि साइन में सबसे कम वैल्यू किस कोण पे आती है, तो माइनस में π/2 पे आती है, और अधिक
वैल्यू किस पे आती है, तो प्लस में पाई बाई टू पे आती है। मतलब इन दोनों के बीच में ही ये रहेगा, इससे कम नहीं होगा और इससे अधिक नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो y की वैल्यू है यह माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में रहती है। लिखने का तरीका क्या होता है कि ये इस मतलब माइनस पाई बाई टू या तो y से छोटा या बराबर होगा, ठीक है, या ये y छोटा होगा या बराबर होगा पाई बाई टू से, इसलिए b वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये भी सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह से tan इनवर्स, tan में इसको आप चेंज करें, तो tan में चेंज करेंगे तो tan कितने की वैल्यू है, ये 60 की, मैंने देखो sec आ गया, ठीक है, sec और cos में 180 में से घटाते हैं, याद रखना। तो ये पहले तो बता दो sec में कितने अंश का मान है, ये तो मुझे लगता है कि 60 अंश का मान है, ठीक है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, लेकिन ये sec इनवर्स होने के कारण और माइनस होने के कारण इसको हम बोलेंगे sec 180 माइनस 60, 180 में से 60 घट जाएगा आपका, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 120 आपका घटाने के बाद। तो 60 में से 120 आप घटाते हैं अगर, तो आपको मिलता है माइनस में 60, और इसको हम बोल सकते हैं माइनस में पाई बाई 3, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने बताए अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आज की वीडियो तब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।